गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. टुडे वी विल डू एक्सरसाइज नंबर 45 इन बुक नंबर 2. ओपन एक्सरसाइज 45 इन बुक नंबर 2. मैम 45 तो आप पहले कर ली थी. कर लिया क्या? कंप्लीट हो गई? कंप्लीट हो गई. मैम 45 नहीं थी ये. कल हम कहाँ पे रह गए थे ये बताओ. कल तो हम रह गए थे एक्सरसाइज 39. 39 पे थे, है ना? 39 पे थे ना? ओपन एक्सरसाइज 39 और इसके 12 तक हो गए थे क्वेश्चंस, है ना बेटा? मैम मैम 13 तक हो गए थे. चलिए जी 13 क्वेश्चन एक बार दोबारा से देख लेते हैं. गुड मॉर्निंग मैम. 5 + 20 पैसे = -पैसे. यस, 5 रुपीज में 20 पैसे आपको ऐड करने हैं. यस राघव सिंगल. मैं 5 हमें 20 520. और आगे लिखा है पैसे, तो आपको इसका आंसर पैसे में देना है बेटे. मैं 520 पैसे. 5 रुपीज में 500 पैसे हो जाएंगे. 520 ऐड करेंगे. 500 + 20 520 पैसे. वेरी गुड, गुड फॉर राघव. थैंक यू मैम. वेरी गुड बेटा. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. रुपीज ये बताएंगे मुझे उत्कर्ष धाकड़. यस मैम. मैम 4 + 45 पैसे. मैम फोर मैम 45 मैम व्हाट मैम कितने पैसे? मैम 445 पैसे. वेरी गुड. 445 इन दोनों को जब ऐड करेंगे 445 पैसे. 13th मुझे बताएंगे लावण्या. यस. ₹7 + 78 पैसे. यस बेटा लावण्या, इसमें पैसे बताएं. 778. 778 पैसे. वेरी गुड. दिस गुड फॉर लावण्या एंड दिस गुड इज फॉर वो उत्कर्ष. 16 नंबर पे हैं देवांगी उपाध्याय. यस मैम. ₹912 = 712 पैसे. मैम 912 है 9 + 12 है. मैम ₹9. मैम ₹9 + 12 पैसे = वेरी गुड देवांगी. क्वेश्चन नंबर 17 गूगल रीड करो. वन बैंगल कॉस्ट 7 रुपीज, सो 8 बैंगल्स विल कॉस्ट रुपीज. वन बेंगल, एक बेंगल है उसकी कॉस्ट है 7 रुपीज, ठीक है? सो 8 बेंगल्स विल कॉस्ट, 8 बेंगल्स की कॉस्ट कितनी होगी? क्या करेंगे सबसे पहले? क्या करिए? मल्टीप्लाई. सो 7 को 8 से मल्टीप्लाई करना है. 7 8 56. वेरी गुड, वेरी गुड रूबल. 18th क्वेश्चन इज फ्रॉम गुंजन. मैम 4 10 रुपीज नोट मेक - रुपीज. 10 10 रुपए के 4 नोट हमने ले लिए, ठीक है? तो कितने रुपए बन जाएंगे? मैम 40 रुपीज. वेरी गुड. 10 10 रुपए के 4 नोट ले लिए तो 10 20 30 और 40 रुपीज. अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं. देवांग वो हैं क्या क्लास में, क्या बोलते हैं
वो एक बच्ची है ना जो गीतांजलि, गीतांजलि आर यू देयर? कोई एग्जाम चल रहा है क्या तुम लोग का? नो मैम तो कहाँ रह गई आज नो गीतांजलि? मैम आज तो बहुत कम बच्चे ज्वाइन किए हैं। मैम हाँ कहाँ रह गए तुम बच्चे? खाने का टाइम हो गया उनका। लंच नो मैम चलो राघव से ले लेते हैं। राघव जी लास्ट वाला है 780 पैसे, इसमें कितने रुपीज हैं और कितने पैसे हैं? मैम रुपीज तो 7 है और पैसे 80 है। रुपीज तो 7 है, रुपीज वेरी गुड। हम क्या करते हैं राइट हैंड साइड से दो के बाद पॉइंट लगा लेते हैं। ये वाले रुपीज सेवन होते मैम हैं और पीछे वाले पैसे। 80 गुड फॉर पैसे राघव, 80। वेरी गुड। ठीक है राघव, अच्छा बताया बेटा आपने। नेक्स्ट पेज निकाल लो। नेक्स्ट पेज क्या, कौन सी एक्सरसाइज आएगी अब इसके बाद? 40 बाद है इतना एक्सरसाइज में 839 और कोर्स में है फिर एक्सरसाइज 44। ओपन करो एक्सरसाइज 44। मैम करा ली आपने तो ये 44 हो गई यस मैम और 45 यस मैम हो गई हो गई, मैम 46 हो गई 46 और 47 मैम हो गई मैम हो गई मैम हो गई 47 भी हो गई। ये कब मैम करवाई थी मैंने? पहले ही करवा दी थी क्या? यस मैम स्कूल में ही करवा दी आपने तो मेरी बात ये सुनो, तो आप मुझे करवा बता दी दीजिए अपनी बुक में देख के ध्यान से। एक्सरसाइज 37 डन। यस थर्टी मैम यस एट मैम 38 डन। यस मैम 39 डन। यस मैम 40 यस मैम 44 45 46 और 47, ये चारों एक्सरसाइज अभी अभी आपने चेक करा दी हैं, सारी हो गई हैं। इट मींस अवर UT2 कोर्स इज कंप्लीटेड इन अवर बोथ बुक्स। हाँ जी मैम 40 और 41 तो आपने करवाई नहीं। मैम 46 और 47 मैंने नहीं किया क्योंकि मैम मैं ना छुट्टी। बेटा जिस दिन कोई बच्चा एब्सेंट होता है और काम पीछे से हो गया होता है उसका सारा जो इंफॉर्मेशन आपको फोन पे बता दी जाती है, क्या काम कराया गया है, क्या होमवर्क दिया गया है, उसकी फोटो वगैरह सब भेज दी जाती है। लेकिन अगर आप उस काम को नहीं करते हैं तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्प्लीट योर वर्क। अगर आप स्कूल नहीं आए तो, अब आज जैसे बहुत सारे बच्चे नहीं आए तो ये थोड़ी उनको उनके लिए वापस से हम क्लास करेंगे क्योंकि फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। सही बात है ना? यही यही सारे क्वेश्चंस हम कल थोड़ी ना वापस करेंगे। अब जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया वो इसका रिकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है? तो आप ये अपने आप करेंगी लावण्या आप उस काम को अगर आपने नहीं किया है तो, ठीक है? ओके मैम हाँ बेटा। और इसी के साथ हमारा यूटी का कोर्स मैथ्स में कंप्लीट होता है। आपका पेपर कब है रूबल? मैम पेपर UT4 का मैम पेपर 26 डेट को 26 को नहीं हो सकता भाई, 26 को 26 जनवरी पे कोई पेपर नहीं होगा। यस राघव कब है? 25 25 को ट्वेंटी फाइव 25 को है, ठीक है? अभी तो है 2-3 दिन, बाकी फिर कल की क्लास में हम कुछ रिवीजन ले लेंगे, ठीक है? आज ये कोर्स कंप्लीट हो गया आपका, मैम आज ओके? का क्या है? आज का होमवर्क आपको ग्रुप पे सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है? यस बाकी होमवर्क ज्यादा मैम ने बोला है कि भाई आजकल क्या है आपके एग्जाम्स चल रहे हैं ना बेटा, तो अपना जो कल पेपर है उसकी तैयारी कीजिए। फिर भी जो इसमें होगा मैं आपको सेंड कर दूंगी वर्क। ओके यस मैम बाय एवरीवन। बाय मैम हैव अ नाइस डे। बाय बाय मैम।